So in this video, I'm going to discuss another example of PDA, that is 0 to the power n, 1 to the power 2n, such that n is greater than or equals to 1. तो पहला काम मेरा ये है कि मैं ये देखूंगा कि इस लैंग्वेज सेट में स्ट्रिंग्स कैसी आ रही हैं। तो इस लैंग्वेज सेट में अगर आप देखें तो जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके डबल नंबर ऑफ वंस आएंगे, फॉलोड बाय जीरोस, डबल नंबर ऑफ वंस विल अपीयर। सो सपोज इफ देयर इज वन जीरो इन द स्ट्रिंग, टू वन विल फॉलो इट। इफ देयर आर टू जीरो इन आर स्ट्रिंग, देन फोर वन विल फॉलो इट, एंड सो ऑन। सो इस तरह की स्ट्रिंग्स हमारे इस लैंग्वेज सेट में आएंगी। Now I have to make a logic so that we can construct the transition rules of its PDA. So what is the logic by which I am going to construct its PDA is that कि एक जीरो आएगा तो मैं दो सिंबल को पुश करूंगा, दो एक्स या दो ए या वॉट एवर स्टैक सिंबल यू हैव अज्यूम्ड फॉर द केस, आप दो स्टैक सिंबल को पुश करेंगे। पुश करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप दो चार छह कितने भी कर सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन आई विल पुश टू एक्स इन द स्टैक, एंड वेन एवर वन कम्स आई विल पॉप वन एक्स एट ए टाइम, बिकॉज पॉप करने में लिमिटेशन है, वी कैन पॉप ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एट ए टाइम। सो एक जितने अगर हम दो एक्स पुश करते हैं, तो लेट्स से इफ इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रिंग्स डबल जीरो एंड फोर टाइम्स वन, तो व्हाट विल हैपन, फॉर ईच जीरो आई विल पुश टू एक्स। सो लेट अस सपोज फॉर फर्स्ट जीरो आई हैव पुश टू एक्स, फॉर सेकेंड जीरो आई हैव पुश अगेन टू एक्स। So the number of x is now equals to the number of ones. So for every one, for every one I will pop one x at a time from the stack. ठीक है? तो इस तरीके से I can write the transition rules of the PDA. So first step will be like this. In this first step, what I have done, let us assume that I am on some initial state q zero, and the first symbol which I have got. Which my read only head reads is zero. So I have written zero here. Q zero पर खड़ा हूँ मैं और zero मुझे input मिला और stack पे initially क्या है, तो I will draw a stack here. Yes. So now what I will do here is write z zero by default here, because जब भी stack initialize होगा z zero उसमें होगा. Now what I have to do, अगर Q0 को 0 मिला और हम स्टैक टॉप पे Z0 है, तो सबसे पहले मैं Q1 पर चला जाऊंगा, स्टेट चेंज कर दूंगा, दो इट इज नॉट नेसेसरी, बट बीइंग ऑन सेफर साइड यू चेंज द स्टेट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश टू स्टैक सिंबल्स ऑन टू द स्टैक। ओके, नाउ सो यू हैव पुश्ड टू स्टैक सिंबल ऑन टू द स्टैक लाइक दिस। ये देखिए Q1 पे आ गया मैं और मैंने दो x पुश कर दिए, और कन्वेंशन ये है कि लास्ट स्टैक टॉप पे जो सिंबल था मुझे वहां लास्ट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस सिंबल ओवर राइट्स इन टू दिस सिंबल वाइल पुशिंग दी वट एवर सिंबल्स यू आर ट्राइंग टू पुश इन टू दी स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर राइट होता है, देन ये चीजें पुश होती हैं, तो दो x इसके ऊपर पुश हो जाएंगे। ओवर राइट की जगह z0 के ऊपर z0 ओवरराइट होगा, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ इन सेकंड स्टेप, अब मैं q1 स्टेट पर हूं और मुझे 0 आया फिर से इनपुट में। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग में मुझे क्या मिला, मुझे इनपुट स्ट्रिंग में मिला अगेन 0। सो व्हाट आई विल डू, और स्टैक टॉप पे इस समय क्या है, स्टैक टॉप पे x है, तो मैंने लिखा q1 0 x, राइट, q1 0 x। तो मुझे करना क्या है, मेरा रूल तो यही है कि जब भी जीरो आएगा मैं दो x पुश करूंगा, तो मैं q1 पे ही रहता हूं क्योंकि स्टेट कोई इनपुट तो चेंज हुआ नहीं है, और दो x को मैंने पुश कर दिया। जैसे ही मैंने दो x पुश किया, मुझे उसके बाद लास्ट वाला स्टैक सिंबल लिखना पड़ेगा, राइट, तो मैंने यहां पर एक x को और लिखा। सो इन दिस वे आई हैव रिटन सेकंड स्टेप आल्सो, सेकंड ट्रांजिशन रूल आल्सो। नाउ व्हाट विल हैपन, Now if further if zero appears in your string, अगर इसके बाद और zeros आते हैं, तीन zeros, छह zeros, ten zeros, any number of zeros will appear, इसी same step को पढ़कर हम बार बार double x push कर सकते हैं। this step will be repeat itself,
और इस सिंगल स्टेप को पढ़कर हम कई डबल एक्स को पुश करते चले जाएंगे जितने भी जीरोस हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ सिनेरियो व्हेन वन कम्स, सो यू विल बी एट क्यू वन एंड वन विल अपियर इन योर इनपुट स्ट्रिंग, और उस समय स्टैक टॉप पे एक्स है. तो रूल ये था कि जब भी वन आएगा तब हमें पॉप करना शुरू करना है. तो आई विल फर्स्टली आई विल चेंज द स्टेट, सो आई विल स्विच फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू एंड विल स्टार्ट पॉपिंग इट आउट. तो पॉप करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, एप्सिलॉन. सो मैंने एप्सिलॉन लिखा, ये एप्सिलॉन आकर इस एक्स के ऊपर ओवर राइट होगा, और जैसे ही ये एक्स के ऊपर ओवर राइट होगा इट विल बी पॉप्ड आउट. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेप, क्यू टू पर हूं मैं और फिर से वन आया क्योंकि मोर देन वन कैन कम इन आर स्ट्रिंग, तो वन आया और स्टैक टॉप पे फिर से एक्स है. तो मुझे वही काम करते रहना है कंटिन्यूअसली जब तक पूरी स्टैक खाली नहीं हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, क्यू टू पर ही रहूंगा और अगेन आई हैव पॉप्ड द स्टैक टॉप. तो अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, स्टैक टॉप को फिर से पॉप कर दे. ठीक है, तो स्टैक टॉप में एक्स और इसी स्टेप को पढ़कर, अगर आप देखें इसी स्टेप को पढ़कर बार बार क्या होगा, जितने भी वन है और जितने भी एक्स है वो सारे पॉप होते चले जाए. Now at last what will happen कि you will be at Q2 और पूरी की पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई. ओके, और स्टैक टॉप पे बचा क्या, Z0. Now what you have to do, now you have to change the state to Q3, that is last and final state, and pop out Z0 also. जो Z0 है आपके स्टैक पर उसको भी बाहर निकाल दो. अब जो सिचुएशन है आपके पास that is something like this. Now you have your PDA state is Q3, string भी खत्म हो चुकी है इसलिए epsilon लिखा मैंने, और stack भी empty हो चुका है इसलिए मैंने epsilon. So this is how you are going to make your PDA for 0 to the power n, 1 to the power 2n. I hope you understood the problem. If you have any doubt, you can ask me in comments or you can text me also. Thank you so much.